नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। जिले के प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव ने बाढ़ सुखाड़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि इस दौरान प्रभारी सचिव आनंद किशोर, जिलाधिकारी कुमार रवि और उप विकास आयुक्त सुहर्ष भगत सहित अन्य संबंधित विभागों अधिकारी और कर्मचारी मौजूद दिखे। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि जिले में अब तक 42% कम बारिश हुई है। अब तक अगर हम बात करें तो 479.7 mm के बदले 277.25 mm ही बारिश हुई है। घोसवड़ी, धनरुहा, संपतचक, दानापुर, विक्रम पंडारक, विक्रम मोकामा, पालीगंज में 200 mm से भी कम बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि सुखाड़ में किसानों की राहत के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बख्तियारपुर के काला दियारा और चिरैया पंचायत में बाढ़ कटाव की रिपोर्ट भी देखी गई है। वहीं 18 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से राज्य स्तर पर होने वाली बाढ़ सुखाड़ की समीक्षा बैठक में जिले की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। मंत्री ने बाढ़ सुखाड़ के अलावा जल जीवन एवं हरियाली योजना की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में फिलहाल 31,472 हैंडपंप चालू हैं और पूर्वी क्षेत्र में 16,351 हैंडपंप और पश्चिमी क्षेत्र में शेष है हैंडपंप। आपको बता दें कि वहीं बाकी जरूरत के अनुसार 15 अगस्त तक सर्वे के साथ नए हैंडपंप को लगाया जाएगा। 7 अगस्त पर प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट और सभी प्रखंडों में वर्षा मापक यंत्र चालू स्थिति में रहेंगे। वहीं प्रत्येक सप्ताह कृषि टास्क फोर्स की सुखाड़ की समीक्षा करेगी। जिले में 42.22% धान और मक्का का 65% का अच्छदान हुआ है। वहीं 100 फीट के दायरे में दूसरा चापाकल नहीं लगाया जाएगा और 1713 हथिया चापाकल की मरम्मति की गई है। आपको बता दें कि 2013 के बाद लगे पेड़ों की जिम्मेदारी वन विभाग की है और प्रभारी मंत्री नंद किशोर यादव की समीक्षा बैठक में कुमराल विधायक अरुण कुमार सिन्हा, विधान पार्षद गुलाम रसूल, बलियावी सीपी सिन्हा, विधायक राम बच्चन राय, विधायक रणविजय सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी, मेयर सीता साहू सहित अन्य लोग मौजूद दिखे। वहीं बैठक के बाहर निकलने के बाद विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि शहर के गुण सागर और बहादुरपुर बड़े तालाब हुआ करते थे, अब उनके भूखंडों पर अतिक्रमण हो कॉलोनियां बस गई हैं, लेकिन बहादुरपुर जैसे तालाबों का कुछ भाग बचा हुआ है जिसके मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन उनका प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया है। वहीं समीक्षा बैठक में जिला परिषद के नेताओं ने भी अपनी मांगों को रखा है और जीप अध्यक्ष और दानापुर प्रखंड प्रमुख सुनील राम और पटना सदर प्रमुख अमरजीत कुमार ने कहा कि जिले में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों के बिजली माफ करने की जरूरत है। अब बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार उधर बीच बारिश हो रही थी, हालांकि कई जगहों पर अभी बारिश जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से बाढ़ की वजह से बिहार के कई क्षेत्र उसकी चपेट में थे, कई लोगों की जाने भी गई हैं, वहीं कई लोग अपने घरों से भी बेघर हो चुके हैं, लोगों को दूसरी जगह अपना भ्रमण पोषण करना पड़ा है, लोग दूसरी जगह जाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सुरक्षा अभियान चलाया गया, लोगों तक खाने को सामान सामग्री पहुंचाई गई, लोगों को सही तरीके से वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालांकि बाढ़ की वजह से लोगों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं, लोगों के घर भी बर्बाद हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से अब सुखाड़ की स्थिति सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो बिहार जो है वो पिछले काफी समय से काफी सब चीजों से जो है वो झेलता चला आ रहा है। बात करें अगर चमकी बुखार की, उसके बाद लू की वजह से, उसके बाद बारिश की वजह से और उसके बाद अपराध की वजह से, और अब जिस तरह से सुखाड़ की खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे न्यूज 1 11। नमस्कार। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।